और आपको इस तरह रहना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी उसी के साथ है कि आप कुछ ना कुछ करते रहें, ऐसी जिंदगी जिसमें कुछ करना ना पड़े, सिर्फ रेस्ट रेस्ट रेस्ट, तो ये बिल्कुल भी अच्छी जिंदगी नहीं है। नाकामी की एक ऐसा वक्त आता है कि दूसरे भी आपको हर बात के लिए या तो ताना देते हैं या घर से बाहर निकाल देते हैं। अच्छा जी, सक्सेस के लिए जो है आप रहना सीखें, ठीक है, नए तरीके जो आपके लिए सूटेबल हैं उनको अपनाएं सक्सेस हासिल करने के लिए। सक्सेसफुल जो पीपल होते हैं वो हमेशा सीखते रहते हैं नई चीज़ें, न्यू नॉलेज, किसी न किसी तरीके से वो प्रोएक्टिव रहते हैं, उनके पास प्लान होता है, स्ट्रेटजी होती है, एक्शन होता है, और वो इसको क्या करते हैं, इम्प्रूव करते रहते हैं। नेटवर्किंग होती है उनके, दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं जिससे वो दूसरों से कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं, सवालात करते हैं, सुजेशन देते हैं, या तो वो मेंटर होते हैं या वो पेड होते हैं या नॉन पेड होते हैं या कोई सपोर्टिव उनका दोस्त या कोई भी बंदा होता है। वो सक्सेसफुल रहने के लिए हैबिट्स को अपनाते हैं, सक्सेसफुल हैबिट्स को, वो अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखते हैं, फूड भी वो खाते हैं जिससे वो हेल्दी रहें, जिससे उनका दिमाग और बॉडी बहुत अच्छा काम करे, और एक्सरसाइज भी करते हैं वो, और 7 से 8 के 1 घंटे की नींद भी वो ज़रूर लेते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, अच्छी चीज़ें खाते हैं ताकि उनके अच्छे असरात हो, और नेगेटिविटी से वो दूर रहते हैं। नेगेटिव लोग जो आते हैं वो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, आपका दिल तोड़ देते हैं, आपकी हिम्मत तोड़ देते हैं, तो इन जो लोगों को दूर रखें, उनके नेगेटिव ओपिनियन जो है वो ज़्यादा बर्बादी कर सकते हैं, इसलिए उनसे बात करना कम कर दें। और आप हर नेगेटिव जो सिचुएशन है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना सीखें, जिसके ज़रिए आप बहुत जल्दी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।